हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ, इंट्राडे टिप्स एंड रिकमेंडेशन के साथ दोस्तों आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, डेली बेसिस के तरह आज भी दो बेहतरीन स्टॉक लेकर आया हूं जो कल आपको इंट्राडे में जोरदार परफॉर्मेंस देने वाले हैं। प्रॉपर टेक्निकल व्यू के अकॉर्डिंग ये दोनों स्टॉक आप लोगों को अपडेट किए जा रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एक नॉलेजेबल और एक एजुकेशन पर्पज से होने वाला है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मार्केट का अपडेट दे देता हूं। तो आप देख सकते हो मार्केट में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बहुत अच्छी तेजी हमें देखने को मिली थी, ठीक है। उसके साथ ही आप देखेंगे 35 स्टॉक ऐसे थे जो पॉजिटिव थे और 15 स्टॉक नेगेटिव देखने को मिले, जिसमें से टॉप गिनर की लिस्ट चेक कर सकते हो, साथ में टॉप लूजर की लिस्ट देख के चल सकते हो। तो इन्हीं में से कल के लिए दो बेहतरीन स्टॉक है जिनका प्रॉपर हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए जो फर्स्ट स्टॉक है उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, जो हमारे लिए फर्स्ट स्टॉक है उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो 2% की तेजी के साथ स्टॉक 1797 रुपए पे क्लोज हुआ है। प्रीवियस क्लोज था 1763 रुपए। स्टॉक गैप अप ओपनिंग लेता है 1790 रुपए, हाई लगाता है 1832 रुपए 95 पैसे और लो लगाता है 1771 रुपए। काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिला। उसके साथ ही वॉल्यूम की कंडीशन अगर आप देखें तो 9,23,000 क्वांटिटी यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखने को मिली है। और साथ में अगर देखते हैं इसका डिलीवरी पैटर्न क्या हमें देखने को मिल रहा है, तो डिलीवरी पैटर्न दोस्तों 22% के आसपास का है, मतलब 2,00,000 क्वांटिटी यहाँ पर डिलीवरी भी उठाई गई है स्टॉक में, ठीक है। अब इसके टेक्निकल चार्ट पर चलते हैं, कल के लिए क्या मूवमेंट मिलता है ये प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का चार्ट पैटर्न मैंने आप लोगों के सामने ओपन किया और 15 मिनट का कैंडल लगाया है। अब देखिए 15 मिनट के कैंडल पे सबसे बेहतरीन लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं ये वाले, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये लगभग देखने को मिल रहा है 1780 रुपये के आसपास, ठीक है। उसके साथ ही अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो लेवल्स है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो लेवल्स है ये है 1800 रुपये का, जहाँ पर स्टॉक ने सबसे ज़्यादा टाइम बिताया है, तो वो उसी लेवल के बीच में है, ठीक है। 15 मिनट का कैंडल चार्ट है तो आप देख सकते हो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी पूरी तरीके से स्टॉक में क्या हुआ, वहीं पर टाइम बिता दिया, ठीक है। हाँ, ऊपर ब्रेक किया था लेकिन वापस वही चैनल में आया, सपोर्ट उसी चीज़ का लेवल का बनाया, ठीक है, जहाँ पर उसको बनाना था। पहले भी उसी लेवल पर काफ़ी बार बनाया, ठीक है, और वही लेवल का रिजेक्शन बनाया जहाँ पर वो ब्रेकआउट देने को तैयार था, ठीक है। लेकिन वो ब्रेकआउट दोस्तों बार बार दे रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर भी दिया, यहाँ पर भी दिया और यहाँ पर भी आप देख सकते हो यहाँ पर भी दिया, लेकिन वो दोस्तों उस ब्रेकआउट को होल्ड नहीं कर पा रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है स्टॉक में, ठीक है। अब अगर ये होल्ड कर लेगा है अगर उस ब्रेकआउट को दोस्तों, तो हमें काफ़ी अच्छी खासी तेजी इसमें लॉन्ग टर्म में भी देखने को मिलती है, क्योंकि डिफेंस कंपनी है दोस्तों, ठीक है, और डिफेंस कंपनी को बहुत अच्छी गवर्नमेंट की तरफ से फ़ायदा भी मिल रहा है। हम तो ये सोच के चल रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन इंट्राडे की बात हो रही है तो इंट्राडे में एक ही चीज़ है कि जब इसने सपोर्ट से रिकवरी ली तो वो कंटिन्यूसली ऊपर ही जाते रहा, आप यहां पर देख सकते हो। तो आराम से हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि स्टॉक में 1800 रुपए का लेवल जो ब्रेक हो सकता है ऊपर की साइड, अगर मान लीजिए इसी प्रकार का भी मूवमेंट हो जाता है तो हमारा लेवल वहां पर एग्जीक्यूट होके हमारा जो टारगेट है वो हमें दे सकता है यह स्टॉक, ठीक है। तो हम इसको कल की डेट में क्या करेंगे, बाय करके चलने वाले। तो चलिए जो लेवल से वो अपडेट कर देता हूं। तो दोस्तों प्रॉपर तरीके से लेवल्स को नोट करिएगा, जब कल की डेट में अगर हमें यह स्टॉक एक काफ़ी अच्छा गैप अप ओपनिंग लेने के बाद भी मिलता है, जैसे कि यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा गैप अप ओपनिंग लिया था, तो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि अगर यह स्टॉक हमें 1825 रुपये के ऊपर मिलता है तो हमारे लिए बहुत सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मिल जाएगा तो अच्छा खासा रहेगा। टारगेट की अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग 1845, मतलब 20 पॉइंट का टारगेट हमें इजीली तरीके से मिल जाएगा, और स्टॉक भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम मार्केट में करता है, ठीक है। और एक और पॉइंट अपडेट करना चाहूँगा मैं आप लोगों को, तो दोस्तों वो पॉइंट है प्रॉफिट गुरु F&O कॉल का टेलीग्राम चैनल, ठीक है, जहाँ पर हम डेली बेसिस पे ऐसे बेहतरीन लेवल प्रोवाइड करते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डिवी स्लैब का पुट बाय करवाया था, ठीक है, 27 तारीख को हम काम नहीं करा पाए थे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट हमें होते देखने को मिला, करीबन 10-12 पॉइंट का टारगेट जो था लेकिन वो तो नहीं हिट हो पाया, लेकिन उससे पहले ही हमने स्टेप प्रॉफिट बुक करके निकल गए। देखिए हमारे टेलीग्राम में डेली बेसिस पे कभी बैंक निफ्टी कभी स्टॉक ऑप्शन कैसे लेवल्स दिए जाते हैं, जहाँ पर आप फ्री में ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हो, और फ्री में ही आप लोगों के लिए हेल्प सेंटर भी ओपन है। अगर आपको दोस्तों स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें पूछना है, टेक्निकल हो गया, फंडामेंटल हो गया, स्विंग ट्रेड हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, कुछ भी पोजिशन से रिलेटेड, ठीक है, कुछ भी चीज़ें अगर आपको
पूछना है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे, इस टेलीग्राम आईडी पे हमें कॉन्टैक्ट करिए, यही हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, ठीक है। आप हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट करेंगे, हम आपको प्रॉपर तरीके से रिप्लाई देंगे और इसका आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेंगे। आपको करना क्या है, बस आपको दोस्तों हमारे प्रॉफिट गुरु FNDACALL के टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना है। आप हो जाओगे तो आप इन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाओगे, जहाँ पर आप लोगों से कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है दोस्तों आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, तो जाके फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, जो आप लोगों की काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ होने वाली है, ठीक है। चलिए हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का SL जान लेते हैं। SL की अगर मैं बात करता हूँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की, ठीक है, तो अगर हम इसको दोस्तों 1825 रुपये से बाय कर रहे हैं, तो लगभग लगभग दोस्तों 1815 का हमारा टारगेट SL लेके चलेंगे, जो होगा हमारा 10 पॉइंट का और 20 पॉइंट का होगा टारगेट, ठीक है। चलिए अब सेकेंड स्टॉक को देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा सेकेंड स्टॉक है अदानी इंटरप्राइज, इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें भी 2% की अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी और लगभग 2085 रुपये के आसपास स्टॉक क्लोज हुआ। प्रीवियस क्लोज था 2046 रुपये 40 पैसे, स्टॉक गैप ऑफ ओपनिंग लेता है 2080 रुपये, हाई लगाता है 2094 रुपये और लो लगाता है 2047 रुपये 70 पैसे। उसके साथ ही अगर देखें वॉल्यूम की कंडीशन इसमें, तो लगभग 13,54,000 क्वांटिटी का वॉल्यूम भी हमें देखने को मिल रहा है, और साथ में इसका भी डिलीवरी पैटर्न देख लेते हैं, जो लगभग देखने को मिल रहा है 21.5% के आसपास का क्वांटिटी देख सकते हैं, 2,90,000 के आसपास का देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं दोस्तों इसके भी टेक्निकल चार्ट पे, क्या मोमेंटम मिलेगा कल के लिए ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अदानी इंटरप्राइज का चार्ट पैटर्न ओपन किया है और 30 मिनट के जो कैंडल है उनमें हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे से अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, ठीक है, तो इस लेवल की, इस लेवल को देखिए, इन्होंने सपोर्ट बनाया है 2060 रुपये का, ठीक है, 2080 रुपये के लेवल को भी काफ़ी सम्मान दिया है इन्होंने, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब दोस्तों मेन लेवल है कितना, 2100 रुपये का, जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टॉक ने क्या किया है, अपना सपोर्ट और रिजेक्शन बनाया है। देखिए सपोर्ट, ठीक है, स्टॉक ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट बनाया, लेकिन दोस्तों जब रेड कैंडल बनना चालू हुआ तो स्टॉक में गिरावट आई। यहाँ पर देखिए रिजेक्शन कितना अच्छा बना, स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पर भी देखिए सपोर्ट बना, तो इसी लेवल के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट समय देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टॉक 260 रुपये के लेवल के ऊपर बंद हुआ है, ठीक है, और 280 रुपये के लेवल को टेस्ट करके बंद हुआ है, ठीक है, मतलब जो इंपॉर्टेंट लेवल थे दोनों उनको प्रॉपर तरीके से क्या किया है, इसने होल्ड किया है, और इसको करना भी था क्योंकि मोमेंटम और साथ में देखेंगे वॉल्यूम की कंडीशन नीचे बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, और साथ में जो डेली बेसिस पे जो बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं इनमें वो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। और साथ में एक और बात, मार्केट भी अभी थोड़ा सा प्रेशर रिलीज कर रहा है, जिसके कारण दोस्तों इनको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करने का मौका मिल रहा है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर दोस्तों स्टॉक 2100 रुपये के लेवल के ऊपर जाता है, इस लेवल के ऊपर, तो हमें आराम से स्टॉक में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, ठीक है, लेकिन 2100 रुपये के लेवल के ऊपर इसे जाना होगा, ठीक है। अगर वो गैप अप ओपनिंग करके जाता है ना तो पूरी प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, अगर वो दोस्तों गैप अप ओपनिंग नहीं लेता है और फिर अगर वो जाता है तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है स्टॉक में, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम बाय करके चलेंगे, तो प्रॉपर तरीके से इसके भी लेवल्स को नोट करिएगा दोस्तों। अगर कल की डेट में हमें ये स्टॉक करीबन अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, परफॉर्मेंस तो अच्छा खासा देखता है, अगर 2115 रुपये के लेवल पे मिलता है तो यहाँ पर स्टॉक को बाय करेंगे, लगभग 2135 रुपये के लेवल को टारगेट बनाएंगे, ठीक है। SL की अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग 2103 रुपये का SL लेंगे, जो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लगभग 13 पॉइंट के आसपास का हमारा टारगेट हो रहा है। थोड़ा बड़ा टारगेट इसलिए रखा है क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा अगर रिवर्सल भी दे तो हम बच सकें, ठीक है। तो अडानी इंटर, ठीक है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये दोनों ही स्टॉक को क्या करना है, आपको खुद को भी एनालिसिस करना है। हमारा जो भी टेक्निकल एनालिसिस था हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, या आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या ब्रोकर हैं आप उनसे भी कंसल्ट जरूर करें। और साथ में एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और ट्रिक और टिप्स बताने वाला हूँ कि देखिए जो भी मैंने आप लोगों को टारगेट दिया है, मैंने 10 पॉइंट का, 15 पॉइंट का, 20 पॉइंट का जो भी टारगेट दिया है, उसका बिल्कुल भी आप वेट ना करें। अगर आपको 2 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है, 3 का दिख रहा है, 5 पॉइंट का दिख रहा है, 7 का दिख रहा है, या 10 पॉइंट का या 12 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है, तो आप उसको बुक कर लीजिए,
हमारा टारगेट का बिल्कुल भी वेट ना करें, क्योंकि कभी कभी यह होता है दोस्तों कि हमारा टारगेट 1 रुपये, 2 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे ऐसे ऐसे में मिस हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कोई कोई स्टॉक तो फिर टारगेट डन करवा देते हैं रिवर्सल लेने के बाद, लेकिन कोई स्टॉक ऐसे रहते हैं जो रिवर्सल देने के बाद नीचे आ जाते हैं, तो जिसके कारण दोस्तों वहाँ पर संभलने का मौका नहीं मिलता और इसके कारण क्या होता है हमें लॉस हो जाता है। लेकिन करेंट में उस समय जो दिख रहा था अगर आप बुक कर लेते तो आप लोगों को फ़ायदा हो जाता, और यही ट्रिक को दोस्तों अगर आप लोग आपकी ट्रेडिंग में भी यूज़ करोगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। जहाँ आपका लॉस करने का चांस 5% का रहता है ना, वहाँ पर मात्र 0.5% का रह जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को दोस्तों नोटिस करिएगा और प्रॉपर तरीके से मार्केट में काम करिएगा। कुछ भी चीज़ें पूछना है ठीक है, कॉन्टैक्ट करिए, टेलीग्राम आईडी ज्वाइन करिए, जहाँ पर आप लोगों की हम हेल्प कर सकें, ठीक है। तो ये वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पे इसी प्रकार का बेहतरीन अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।